दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में वही एंथनी गिडेंस के थ्योरेटिकल पैराडाइम की व्याख्या करूँगा। मूल रूप से आप देखें तो ये किसी भी संप्रदायवादी चिंतकों से अलग हट करके अपना चिंतन जो है समाजशास्त्रीय परिवेश में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ स्ट्रक्चरेशन को वस्तुनिष्ठता और विवेकशीलता से जोड़ने के लिए एंथनी गिडेंस ने क्रिया अर्थात कर्ता की संरचना के प्रति दोहरे दृष्टिकोण की व्याख्या की है। समाजशास्त्रीय परिवेश में समाज और संरचना का अध्ययन प्रमुख है, जिसने व्यक्ति और कर्ता की अनदेखी की है, अर्थात व्यक्ति के बिना समाज की अभिकल्पना व संरचना तैयार नहीं हो सकती। वह कल्पना करना भी हमारे और आपके बीच हम और आप नहीं सोच सकते हैं। तो समाजशास्त्र जो है सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था की जो व्याख्या की है, उस व्याख्या के तहत जो है वह मूल रूप से डर्खाइमियन सोशियोलॉजी हो या पार्सोनियन सोशियोलॉजी हो। डर्खाइमियन सोशियोलॉजी में कलेक्टिविटी, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है, हुआ है, और यहाँ तक कहा गया हुआ है कि समाज ने भगवान का निर्माण किया है, भगवान ने समाज व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं किया है। ये इस पर कई चर्चाएं परिचर्चाएं हमारे और आपके बीच में होती रहेंगी और हुई भी हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय परिवेश में समाज व संरचना का अध्ययन प्रमुख है, जिसने व्यक्ति और कर्ता की अनदेखी की है। समाज और संरचना का अध्ययन समाजशास्त्र में समग्रता के रूप में किया जाता है, अर्थात टोटालिटी और हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत किया जाता है, तथा व्यक्ति व कर्ता की अपेक्षा उपेक्षा की जाती है। लेकिन एक दूसरे परिवेश का उद्भव समाजशास्त्र में हुआ, जिन्होंने कर्ता, व्यक्ति और इकाई को अपने अध्ययन का मूल केंद्र बनाया है और संरचना और समाज को गौण रखा है। पहले परिवेश में संरचना के अस्तित्व के बिना समाज की अभिकल्पना नहीं की जा सकती, और दूसरे परिवेश में कर्ता, व्यक्ति और इकाई के अस्तित्व के बिना समाज की अवधारणा का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। ये पहली और दूसरी मान्यताएं हैं, जहां पर मूल रूप से एक तरफ हॉलिस्टिक और टोटालिटी का इम्पोर्टेंस है, वहां पर यूनिट अर्थात सोशल यूनिट और व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल जो है, वह गौण रखा गया हुआ है। दूसरे परिवेश में व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात सामाजिक इकाई, और कर्ता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। और यहाँ पर एक तीसरी धारा का परिवेश होता है समाजशास्त्र में। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में जो वह विकसित हुआ, जिसने संरचना और व्यवस्था की समग्रता के साथ संतुलन बनाए रखने की अवधारणा का और सैद्धांतिक आयाम का पोषक था, और उसको उसको अपने जीवन में ढालने का या समाज में उतारने का एक नया परिवेश था। यह परिवेश भी अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था के तहत व्यवस्था के तहत हुई। और ये इसके बीच में मूल रूप से आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरे समाज की यूरोपीय समाज से होते हुए अमेरिकी और सोवियत यूनियन की धारा को छूते हुए पूरे समग्र दुनिया को, चाहे वो भारत हो या दुनिया का कोई और हिस्सा, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो या एशिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो, वहाँ पर इस धारा को विश्लेषित करने का प्रयास जो किया गया। और इसी धारा में टाकर पासन और आके मर्डन का भी इमर्जेंस हुआ, और इस इमर्जेंस के साथ
जो मूल रूप से जो एक मार्क्सवादी चिंतन जो समाज में व्याप्त थी, और उस समाजवादी बंधन चिंतन और विचारधारा व सैद्धांतिक आयाम से अलग हट करके एक नई धारा को खींचने का प्रयास जो है 20वीं शताब्दी के चौथे दशक अर्थात सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में हुआ। इसी दौर में मूल रूप से सेकंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड बिना सोचे समझे, बिना भारतीयों की भारतीयों से चर्चा किए हुए, भारत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से चर्चा न करते हुए उसने सेकंड वर्ल्ड वार में भारत को पार्टिसिपेट करने के लिए बाध्य कर दिया और अपनी सहमति व्यक्त कर दी, जिसका कि विरोध जो है मूल रूप से आप देखेंगे तो 7 सितंबर 1947 में 1946 में मूल रूप से कांग्रेस ने एक अधिवेशन बुला करके इस घटना के बारे में अपनी राय व्यक्त की और पूरी तरह से इसे नकार दिया और साम्राज्यवादी व्यवस्था की तानाशाही बताया। और भारत ने जो है सेकंड वर्ल्ड वार में तो ये धाराएं उसी के बाद भारत में जो हैं कई परिवर्तन हुए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया और अंग्रेजों को यह लग गया कि अब लंबे समय तक भारत में शासन करना हमारे बस की बात नहीं है। भारतीय सजग हो गए हैं, उनमें जनजागरण आ चुका है, मास कॉन्शसनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप कर गया है। यह धारा भी इसी तरह से विश्लेषित करने का प्रयास है। तो इसी के तहत मूल रूप से आप देखेंगे एंथनी गिडेंस ने कर्ता और व्यक्ति को महत्वपूर्ण जब बताया, या संरचना और समाजशास्त्र में व्याप्त दोहरे आचरण के स्थान पर द्विधा अर्थात ड्यूलिटी की अवधारणा को प्रभावशाली बताया और कहा कि कर्ता और संरचना के बीच सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। समाजशास्त्र का समाज दोनों के लिए सकारात्मक है। गिडेंस की मान्यता है कि समाज की अभिकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कर्ता व्यक्ति और संरचना को केवल आधार मानना समाजशास्त्रियों की भूल रही है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि समाज की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए दोनों के बीच में सामंजस्यता, समन्वय, तारतम्यता का होना अपरिहार्य है और द्विधा प्रणाली अर्थात ड्यूअलिटी मेथड के द्वारा समाज का वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ अध्ययन कर ही समाज की मौलिक समस्याओं से हम जूझ सकते हैं। आवश्यकता है कि इससे ऊपर उठकर द्विधा प्रणाली के द्वारा दोहरेपन के चरित्र से समाजशास्त्र को मुक्त किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने मल्टीप्लेक्स का एक उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा कि व्यक्ति व कर्ता पिक्चर देखने जाता है, सिनेमा हॉल में प्रवेश के दौरान ही उसके मन मस्तिष्क में एक संरचना तैयार होती है। उसे स्पष्ट होता है कि मल्टीप्लेक्स सार्वजनिक है जहां कई पिक्चर दिखाई जा रही हैं। कर्ता व व्यक्ति अपनी मनपसंद पिक्चर का टिकट लेता है, काउंटर से खरीद कर पूर्व निर्धारित हॉल में प्रवेश करता है। पिक्चर हॉल में बैठकर नियामकों का पालन करता है और पिक्चर समाप्त होने पर एग्जिट डोर से बाहर निकल जाता है। मल्टीप्लेक्स एक संरचना है, दर्शक नियमों का पालन करते हुए अपनी मनपसंद पिक्चर देखता है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के लिए संरचना उपलब्ध है जैसे मल्टीप्लेक्स हॉल, उससे वह लाभान्वित होता है, लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार संरचना में उपलब्ध जो मौलिकताएं हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अपने में
स्थापित करता है और समग्र के लिए इकाई उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इकाई के लिए समग्र। इकाई के महत्व में समग्रता का अस्तित्व नहीं है और समग्रता के बिना इकाई अधूरा है। यह समग्रता समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक संरचना है और यह इकाई जो है व्यक्ति है, कर्ता है, जो समाज का मूल है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि कर्ता की क्रिया ही समाज संरचना या सामाजिक संरचना या सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। वर्तमान समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में वस्तुनिष्ठता के आधार पर बहुत बदल चुका है। कर्ता और उसकी भूमिकाओं को आज समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे अब तक समाजशास्त्र समझ नहीं पाया था, और अगर समझता भी था तो उसमें कई समस्याएं उभर कर सामने आ जाती थीं। क्रिया, कर्ता व संरचना के प्रति दोहरे दृष्टिकोण के मापदंड को परिलक्षित करता था। ऐसे में सिद्धांतकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक जो है मैक्रो थियोरिस्ट और दूसरा जो है सूक्ष्म थियोरिस्ट अर्थात माइक्रो थियोरिस्ट। बृहत सिद्धांतकारों की मान्यता है कि संरचना सबसे प्रभावी तंत्र है, जबकि सूक्ष्म सिद्धांतकारों की मान्यता है कि कर्ता व व्यक्ति प्राथमिक है, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। एंथनी गिडेंस ने समाजशास्त्र में 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के 8वें दशक तक समाजशास्त्र के दोहरे मापदंड को खत्म किया और उसकी बाधाओं को समाप्त करते हुए संरचनाकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसी के माध्यम से समाजशास्त्र में जो दोहरेपन का दोष था वह दोष विद्यमान था उसका निराकरण करने का प्रयास किया है, और अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में समाजशास्त्र में दोहरेपन के दोष के निराकरण पर व्यापक रूप से व्याख्या की है और संरचनाकरण के सिद्धांतों के माध्यम से विश्लेषण प्रस्तुत किया है और कहा है कि अब तक का समाजशास्त्रियों का दुर्भाग्य रहा है कि अपना बहुमूल्य समय इस तथ्य को स्थापित करने में व्यर्थ किया कि मूल रूप से मूल्यों को जो प्रयोग किया है वह सही नहीं था। एंथनी गिडेंस ने संरचनाकरण के सिद्धांत के माध्यम से अब तक के समाजशास्त्र के सैद्धांतिक आयामों को अप्रासंगिक घोषित किया और उसकी अप्रासंगिकता से निपटने के लिए द्विधा प्रणाली द्वारा निराकरण की है और अपने सैद्धांतिक आयाम को विश्लेषित किया है और कहा है कि संरचना के सिद्धांत और संरचनाकरण के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए एक तीसरा उपागम सामाजिक संरचना की अवधारणा की व्याख्या की है और कहा है कि सामाजिक संरचना बुनियादी नियामकों नियामकों से और उप नियामकों से बनती है। इन नियामकों के कुछ निर्धारित स्रोत होते हैं। नियामक और उप नियामक की ही अंतर क्रिया का संचालन करते हैं। नियामकों द्वारा संचालित अंतःक्रिया को संरचना वैधता प्रदान करती है, जैसे माता पिता का सम्मान, बड़ों का आदर। संरचना के अंतर्गत नियामकों को काम में लाया जाता है। इनका प्रयोग बातचीत और अंतःक्रिया के दौरान होता है। इसकी प्रकृति अनौपचारिक होती है क्योंकि संरचना में किसी प्रकार का दोष व्याप्त होता है उसमें कठोर दंड देने का प्रावधान होता है। कर्ता को नियामकों व उपनियामकों की जानकारी औपचारिक स्वाभाविक रूप से होती है। संरचनाकरण के सिद्धांत में सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ साथ एंथनी गिडेंस ने संस्था की अवधारणा की व्याख्या की है। एंथनी गिडेंस ने संस्थाओं को समाज में पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है। संरचनाओं में संस्थाओं का प्रयोग
दीर्घकालिक होता है, जैसे परिवार, विवाह, जाति, संस्था, संस्थाओं में पाई जाने वाली चार अंतःक्रियाओं की व्याख्या एंथनी गिडेंस ने की है, जिसमें पहला जो है मूल रूप से आप देखेंगे तो वह है सिंबल, उसके बाद में लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन, अर्थात प्रतीक, भाषा, संचार और विमर्श, ये मूल धारणाएं हैं समाजशास्त्र की अवधारणाओं के तहत। दूसरी बात उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात की है, तीसरी में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात की है और चौथे में कानूनी संस्थाओं की व्याख्या की है। इसके बाद इसके तहत मैं और व्यापक रूप से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज यहाँ पर इजाज़त देने का प्रयास कष्ट करें, आशा है आप लोगों को एंथनी गिडेंस के थियोरेटिकल पैराडाइम काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए यह टॉपिक जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हर साल इसमें से 4-5 सवाल आते हैं, तो इसलिए इसका गहन अध्ययन करने की और सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है। साथ ही समाज को समझने के लिए एंथनी गिडेंस के सैद्धांतिक आयामों के साथ रूबरू होना हमें अनिवार्य है और यह हमको समाज को समझने में मौलिक भूमिका अदा करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, यह भी विश्वास है कि सिविल सर्विसेज फोरम को आप लोग जैसे स्वीकार करते आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे साथ जो अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, चाहे वह YouTube के माध्यम से हो या दूरभाष के माध्यम से हो, वैसे करते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए और इससे लाभ उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट।